कॉमन कंप्यूटर हार्डवेयर फ्रॉम साइन कंप्यूटर। मैं आपका दोस्त शशि एक बार फिर हाजिर हूं, देखिए एक नए एक्सपीरियंस के साथ। आज मैं आपके लिए नई वीडियो लेकर आऊँ फ्रेंड। देखिए ये DVR किसी का आया था, इसमें प्रॉब्लम क्या थी कि ये रिकॉर्डिंग्स नहीं कर रहा था। करंट वीडियो तो दिखा रहा था, करंट व्यूज दिखा रहा था, लेकिन रिकॉर्डिंग नहीं ले रहा था। उसका रीजन ये था कि फ्रेंड इसकी हार्ड डिस्क जो है वो फुल हो गई थी, इसमें रिकॉर्डिंग की स्पेस नहीं बची थी। तो मैं आज आपको दिखा रहा हूँ कि इसकी हार्ड डिस्क फॉर्मेट कैसे करते हैं। देखिए इसके कनेक्शन वगैरह, इसकी हार्ड डिस्क खोलने वगैरह मैंने इससे पहले वीडियो में आपको दिखाई है। तो आपको करना क्या है कि इसके कनेक्शन वगैरह आपकी LCD के इसको उतार के अपनी LCD पे लगा दीजिए। इसके बाद ये देखिए इसको ऑन कर दीजिए। ऑन करने के बाद इसके ये बाय डिफॉल्ट लोगो अपने आप इसके सामने आ जाएगा आपकी स्क्रीन के ऊपर। जिस भी कंपनी का ये DVR आपके पास होगा, ये मेरे पास एंटर का DVR है 6 NM, तो वो एंटर का ही लोगो दिखा रहा है। तो इसकी हार्ड डिस्क कैसे फॉर्मेट करनी है मैं आपको वही बताने जा रहा हूँ। देखिए अब देखिए ये इंस्टॉलेशन हो रही है इसकी। बाय डिफॉल्ट जो इसका अपना सिस्टम है वो चल रहा है। अब देखिए फ्रेंड्स ये ऑन हो गया है। इसके बाद आपको क्या करना है, राइट क्लिक करना है स्क्रीन के ऊपर, और ये जो ब्लू स्क्रीन नजर आती है इसके ऊपर राइट क्लिक करके आपको सेटअप की ऑप्शन पे जाना है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सेटअप। सेटअप के ऊपर जाने के बाद आपको क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद देखिए ये पासवर्ड मांग रहा है। पासवर्ड हर एक का अलग अलग होता है, जो पासवर्ड आपने रखा है आपका पासवर्ड दे लीजिए, वहां पे पासवर्ड दे लीजिए। इसके बाद ओके कर दीजिए। ये देखिए ये ओके हो गया है। ओके होने के बाद अगर तो पासवर्ड रॉन्ग होता तो वो दोबारा मेंशन आता कि यूजर नेम और पासवर्ड इज रॉन्ग। अगर वो एक्सेप्ट हो गया है तो ये स्ट्रीमिंग ओपन हो गया है। तो उसके बाद आपको दोबारा से राइट क्लिक करना है और सेटअप पे जाना है। सेटअप पे जाने के बाद आपके पास देखिए ये एक लोगो खुल जाएगा। इसके बाद देखिए सिस्टम टूल्स पे आना है आपको। सिस्टम टूल के ऊपर क्लिक करने के बाद हार्ड डिस्क मैनेजमेंट, हार्ड डिस्क मैनेजमेंट पे क्लिक कीजिएगा। आपको यहाँ पे पूरी हार्ड डिस्क दिखा देगा। देखिए उसके बाद क्या दिखा रहा है, देखिए यहाँ पे आपको ये पूरी हार्ड डिस्क दिखा रहा है। ये 460 GB मतलब 500 GB का हार्ड ड्राइव है। इसके ऊपर आपको फॉर्मेट के नीचे चेक बॉक्स नजर आ रहा है, ब्लैंक आ रहा है। इसके आपको चेक करना है, इस बॉक्स को आपको क्लिक करना है और ये फॉर्मेट पे क्लिक करना है आपको। फॉर्मेट पे क्लिक करने के बाद येस पूछेगा, दैट वॉज वो कह रहा है कि ऑल द रिकॉर्ड्स विल बी डिलीटेड, मतलब जो उसके पास जो भी उसकी स्टोरेज है आपका डाटा है या कुछ भी है उसको डिलीट करना है, तो आप येस कर दीजिए। देखिए इट विल टेक टाइम, लाइक 1 या 2 या 3 मिनट लग सकते हैं। कंडीशन डिपेंड करता है आपकी हार्ड डिस्क कंडीशन पे, वो कितनी ज्यादा खराब हो गई है या ठीक है, जो भी उसकी कंडीशन है उसी के अकॉर्डिंग वो टाइम लेगा। इसको ये जो आपका टाइम है इसको लेने दीजिए प्लीज। उसके बाद देखिए जब फॉर्मेट हो जाती है, हार्ड डिस्क कंडीशन अच्छी थी तो मतलब वो जल्दी फॉर्मेट हो गई है। ये देखिए फॉर्मेट सक्सेस आ गया है। इसके बाद ओके कर दीजिए फ्रेंड्स। ओके करने के बाद इसको आपको ओके कर देना है दोबारा, और उसके बाद आपको इसको बाहर आ जाना है, लॉग आउट कर देना है। लॉग आउट करने के बाद आप अपने कैमरे अटैच कर लीजिए। जो भी आपका रिकॉर्डिंग वगैरह का सिस्टम होगा वो देखिए इसका ऑटो होता है, वो अपने आप इसको अपने सिस्टम के अकॉर्डिंग इसको सेट कर लेगा। तो ओके फ्रेंड्स, प्लीज कीप वॉचिंग माई वीडियोज एंड मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा फ्रेंड्स के साथ। अगर मेरी वीडियोज अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।